नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आपका स्वागत है। आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल दो रन बना के मैच की चौथी ही बॉल पे तस्किन अहमद का शिकार बने। वहीं विजय और पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए 178 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करके टीम को संभाला, लेकिन पुजारा दूसरे सत्र में मेहदी हसन मिराज के शिकार बने। पुजारा ने अपनी पारी में 177 गेंदे खेलते हुए 9 शानदार चौके लगाए। पुजारा के आउट होने के बाद विराट कोहली के मैदान पे आए। उसके बाद विराट कोहली और मुरली विजय ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना शानदार शतक पूरा किया। जहां मुरली विजय ने 108 रन बनाए, वहीं विराट कोहली नाबाद 111 रन पे खेल रहे हैं। भारत की इस बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन की बदौलत भारत पहले दिन 356 रन के स्कोर तक पहुंच चुका है। अब यह माना जा रहा है कि विराट कोहली जिस शानदार फॉर्म में है, अगर वैसे बने रहते हैं तो भारत के लिए यहां से 450 से ऊपर रन बनाना मुश्किल नहीं होगा। तो कल देखना होगा कि क्या विराट कोहली दोहरा शतक बना पाते हैं और क्या भारत 500 का आंकड़ा पार कर पाता है।